close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। सो आज अभी टाइम हुआ जाता है जी, क्या टाइम हो रहा है मैडम, मैं देख के बताता हूँ, 5:45। तो अभी मैं जा रहा हूँ छत पर चूज़ों के पास। आज मेरा दिल है आप लोगों को अपने चूज़े दिखाए जाएँ, क्योंकि जिस टाइम हम लोगों ने वो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो तब हमारे चूज़े थे बहुत ज़्यादा छोटे, पर अभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो मैंने सोचा जब आप लोगों को अपने चूज़े दिखाए जाए, तो चलें इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अपने चूज़े और ख़ुद भी देखते हैं। तो उससे पहले छत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, ठीक है, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ छत की हालत जो सी है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम गंदी हुई पड़ी है, सफाई करने वाली हुई पड़ी है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सफ़ाई मेरी बड़ी सुस्ती हो रही है, सफ़ाई करने वाली है। तो इंशाल्लाह दो रोज़ तक अगर हम करेंगे सफ़ाई तो भी बस टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों को दिखाते हैं अपने चूज़े, जो कि जिस टाइम हम लोगों ने मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब वो बिल्कुल छोटे छोटे से थे, अब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो वही बार बार मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाऊँ। अभी मसला ये बना है कि सारे चूज़े इस टाइम खुले हुए, कुछ ये खड़े हुए हैं इधर देखें, कुछ वो पीछे ठहरे हुए हैं, यानी पूरी छत पे फैले हुए हैं इस टाइम। तो मेरा दिल आप लोगों को बारी बारी करके दिखाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि माशाल्लाह से हमारे चूज़े कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। सो अभी टाइम ज़्यादा ज़्यादा नहीं मैं करता आप लोगों का अपने चूज़े देखते हैं, ये मेरे लिए भी यादगार होगा क्योंकि जिस टाइम जिस टाइम ये एक किस्म की मेमोरीज़ होती हैं, जिस टाइम मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी बिल्कुल छोटे छोटे से होते थे, बार बार लाइन रिपीट करूँ क्योंकि एक ना अब वो मैं व्लॉग देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार पहले इतने बड़े हो गए। तो जिस वजह से ना एक किस्म की ये भी एक सेव रह जाती है यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद, तो इंशाल्लाह जब और बड़े हो जाएंगे तो उनको देख के बंदा और खुश होता है, जैसे मैं पुरानी वीडियोज़ देख के जो उनसे ना खुशी मिलती है। सो अभी बस दिखाता हूँ आप लोगों को, और सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं हैवी बफ, जिनका माशाल्लाह से आप साइज़ चेक करें, क्या खूबसूरत साइज़ है। तीन ये ठहरी हुई हैं हैवी बफ, और उसके अलावा आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को ना मेरा दिल है म्यूटेशन कर करके दिखाई जाए। और एक ये हैवी बफ है माशाल्लाह से, इसका साइज़ देखें आप माशाल्लाह से, और एक ये, और इसके अलावा एक और थी वो उधर जा रही है, एक मिनट, और एक ये है, मतलब छः हैवी बफ हैं। और जिस टाइम आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी ये बिल्कुल छोटे छोटे थे, माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए। अभी आप लोगों को दिखाते हैं लाइट सुसेक्स, और अब बारी आती है लाइट सुसेक्स की। ये मेरे पास तीन पीस हैं जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से क्या खूबसूरत बने हुए हैं, और ये भी छोटे छोटे से हुआ करते थे, अब माशाल्लाह से देखें कितने बड़े हो गए। ये देखें माशाल्लाह से खूबसूरत कितने हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इजाफ़ा किया हुआ है इसमें एस्ट्रोलोप में, एक ये फीमेल है एस्ट्रोलोप की और एक ये मेल है, ये भी मैंने न्यू परचेज़ किया है। ये मैंने छोटे नहीं पाले, ये मैंने बड़े ही लिए हैं, ये दो जोड़े लिए थे, एक जोड़ा मैंने हमारे घर मेहमान आए थे वो ले गए थे, तो एक ये पैर रह गए, ये मेल और ये इसकी फीमेल। अब आप लोगों को दिखाते हैं अपने बैंटम, ये देखें माशाल्लाह से ये ब्लैक बैंटम, ये है जी ब्लू बैंटम जिसे आप लोग ग्रे बैंटम ही बोलते हैं, ये वाइट बैंटम माशाल्लाह से खूबसूरती चेक करें, तीनों इकट्ठे खड़े हुए हैं और इनकी दो फीमेल हैं, ये ब्लू की फ़ीमेल है जो कि आप माशाल्लाह से देख सकते हैं, और एक ब्लैक की फ़ीमेल है जो कि वो पीछे ठहरी हुई है, ये देखें जी।
ये माशाल्लाह से, ये है जी ब्लैक की फीमेल बंटन में। और अभी लास्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो में छोटे छोटे चूजे भी थे, वो किसके चूजे थे, अभी आप लोगों को छोटे छोटे चूजे दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से जैपनीज़, ये देखिए माशाल्लाह से, ये 6 चूजे हैं जैपनीज़ के जो कि अब मैंने न्यू ऐड किए हैं। और उसके अलावा ये कुछ असील के पीस फिर रहे हैं, ये मैंने बच्चे निकलवाए थे। ये माशाल्लाह से छोटे चूजे, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, सो ये मैंने न्यू ऐड किए हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन सबको इकट्ठा किया जाए, वो कैसे इकट्ठा करूँगा कि मैं इनको आवाज़ लगाऊँगा और ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। एक ना जी ना, मैंने इनको आवाज़ लगाई है, लेकिन इस टाइम जो उनसे ना इनके पेट हुए पड़े हैं फुल, पोटी हुए पड़े हैं फुल, जिस वजह से अभी ये नहीं आ रहे। जिस टाइम ये भूखे होते हैं तो मेरी फ़ौरन आवाज़ पर आ जाते हैं, अभी नहीं आ रहे। तो बस ये वीडियो थी। सो अभी छत जो सी है बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है, आप लोगों को मैंने दिखाई है सारी, क्या नाम है, अपने बर्ड्स, और छत बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है। बेसिकली कुछ छत पे मैं न्यू ऐड करना जा रहा हूँ कुछ दिन तक, वो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो जिस वजह से मैं अभी सफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक बारी वो काम हो जाए तो इंशाल्लाह इकट्ठी छत की सफाई करेंगे। तो एक बारी वो काम हो जाए, अभी आप लोगों को नहीं बताना, आप लोगों को बाद में बताऊँगा जिस टाइम वो काम शुरू हो जाएगा या फिर कम्प्लीट हो जाएगा। तो जिस वजह से अभी सुस्ती हो रही है, अभी सफाई मैं नहीं कर पा रहा, तो जैसे ही वो काम होता है कंप्लीट, इंशाल्लाह हम लोग छत को कर देंगे नीट एंड क्लीन। तो अभी गाइस टाइम हुआ चाहता है इनको अंदर करने का, दड़वे में बंद करने का, क्योंकि अभी 6:10 हो चुके हैं, आगे मगरिब की अजान होने वाली है, तो नमाज़ पढ़ने जानी है। तो जो मुश्किल, ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे इनको बंद करना भाई साहब, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई उधर भाग रहा होता है, तो इस डंडी की मदद से हम लोग इनको अंदर करते हैं। साथ मेरा दिल है कैमरा भी पकड़ के रखूं, लेकिन एक हाथ से कैमरा पकड़ के रखना और दूसरे हाथ से इनको उठा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर हम लोग कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह ये बंद हो जाएंगे डंडी की मदद से। सो अब एक हाथ में मेरे मोबाइल और एक हाथ से मैंने कैमरा, ओह एक हाथ में मेरी क्या नाम है मोबाइल है, और दूसरे हाथ में मेरे हाथ में ये डंडी है। तो बस अभी इनको बंद करते हैं। फाइनली 10 मिनट की मेहनत करने के बाद इनको बड़ी मुश्किल से बंद मैंने कर दिया। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अपने मुर्गियाँ एक केज के अंदर, ये माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह से शरारती बिल्ले। तो गाइस ये जो चूजे माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े हो गए, तो माशाल्लाह से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत है मेरी भी और मेरे घर वालों की भी है। बेसिकली ये होता है कि सुबह मैं इनको दाना पानी डाल के चला जाता हूँ और इनको छत पे छोड़ता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद जो उनसे है ना मैं इनको बंद करके चला जाता हूँ मेरे काम पर। पीछे माशाल्लाह से मेरी घर वाले ख्याल करते हैं अपने मेरे चूज़ों का। तो इसी तरह शाम को आके फिर मैं इनको दोबारा दाना पानी कर देता हूँ और अपने चूज़े देखता हूँ। तो बेसिकली इसमें एक बहुत मेहनत होती है, कोई इतना आसानी से नहीं ये पलते। तो जितनी इसमें मेरी मेहनत है उतनी मेरे घर वालों की भी इसमें मेहनत है, इस वजह से माशाल्लाह से चूजे इतने से थे, अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए। तो आप लोगों ने भी माशाल्लाह ज़रूर बोलनी है, ठीक है। सो इंशाल्लाह से अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए वीडियो डेली, तो डेली अगर नहीं हो सकती तो एक दिन के बाद अपलोड लाजमी किया करूँ। बेसिकली मेरा ये एक किस्म का शौक़ है, इसको मेरा कारोबार ना समझ लेना, एक किस्म का शौक़ है जिस चीज़ का बंदे को शौक हो। तो इसके अलावा मैं अपनी एक कारोबार भी कर रहा हूँ छोटा सा, मिर्च मिसालों का, तो वो भी करता हूँ साथ साथ, ये मैंने एक किस्म का शौक रखा हुआ है। तो ये बेसिकली चीज़ है। और बाकी ना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।